मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मां नैना देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार मानस खंड कॉरिडोर स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। साथ ही मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। नैनीताल से संवाददाता तेज सिंह की रिपोर्ट। मानसखंड कॉरिडोर हमारा संकल्प है और उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। पहले चरण में हमने सभी जिलों के जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को लिया है पूरे कुमाऊं क्षेत्र के, और उनकी जहां अवस्थापनाएँ सुविधाएं वहां बढ़ाने का जो हमने संकल्प लिया है मानसखंड कॉरिडोर में, उसका पूरा मास्टर प्लान है। और जैसे चारधाम की यात्रा होती है निकट भविष्य में, जो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, रोड अच्छी बनेंगी, स्थापना सुविधाएं अच्छी बनेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी जो है धार्मिक पर्यटन भी तेज़ी से बढ़ेगा।